स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज चेंजेस अराउंड अस. सो एज वी ऑल नो, इन आवर डेली लाइफ वी सी सो मैनी चेंजेस अराउंड अस. फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन वेदर, फॉर एग्जाम्पल अक्रेंस ऑफ डे एंड नाइट, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, मेल्टिंग ऑफ कैंडल्स, burning of wood, etc. So many changes that we see all around. Okay, so dekhiye beta, everything in this universe undergoes a change. Theek hai, universe mein, is brahmand mein har cheez ke andar changes hote hain, har ek cheez mein badlav aata hai. Theek hai, so have you ever thought, kya kabhi aapne socha hai कि वाई दीज चेंज अकर, कि आखिर ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस क्यों होते हैं. ठीक है, वेदर में चेंज होना, क्या रीजन है इसका. फूलों का खिलना, ठीक है, आप आज एक प्लांट में आप एक कली देखते हो, ठीक है, और वही कली खिलकर एक फूल बन जाती है, ये भी तो एक चेंज है ना. आप अभी के टाइम दिन है, ठीक है, वही दिन के बाद शाम होगी, शाम के बाद रात आ जाएगी, रात से फिर से सुबह हो जाएगी, ये क्या हो रहा है, चेंजेस ही तो हो रहे हैं, है ना. आप किसी कैंडल, एक कैंडल को आप बर्न करते हैं और कैंडल का जो वैक्स होता है वो मेल्ट हो जाता है, ये भी तो एक चेंज है ना. ऐसे हम आसपास में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं. तो हैव यू एवर थॉट Why these change occur? आपने कभी सोचा कि ये सारे changes क्यों होते हैं. देखिए बेटा, every changes has a cause. Every changes, कोई भी change हो रहा है आपके आसपास में तो वो बिना कारण के नहीं हो रहा है. हर एक बदलाव के पीछे एक कारण छुपा है, हर एक change, ठीक है. In every changes there is a some cause. ठीक है, कोई ना कोई एक कारण जरूर है. फॉर एग्जाम्पल, वेन वी बर्न अ कैंडल, कैंडल वैक्स मेल्टेड. जब हम कैंडल को जलाते हैं बेटा, तो कैंडल का जो वैक्स होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है. ठीक है, सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ चेंज. चेंज क्या हुआ, जो जैसे ही हमने जलाया कैंडल को, तो कैंडल को जलाने के बाद हमें कैंडल में क्या चेंज दिखा, हमें कैंडल में चेंज दिखा कि कैंडल का जो वैक्स था बेटा, वैक्स मतलब मोम, वो मोम पिघलने लगा. तो ये तो चेंज था, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स इज अ चेंज. बट द रीजन बिहाइंड दिस, बट द कॉज बिहाइंड दिस, कारण क्या था इसका, कारण क्या था, कारण था बर्निंग ऑफ अ कैंडल. बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज अ कॉज. बर्निंग, कैंडल को जलाना, ये एक कारण था. जब तक हम कैंडल जलाते ही नहीं, अगर हम कैंडल जलाते ही नहीं तो क्या हमें वो चेंज देखने को मिलता. अगर मैं कैंडल को जलाती नहीं तो क्या उस कैंडल का जो मोम है, वैक्स है, वो पिघलता, नहीं पिघलता. तो हर एक चेंज के पीछे क्या होता है, रीजन. यहां चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ कैंडल वैक्स मेल्टेड, ये चेंज है. ठीक है, समझ में आ रही है चीज. वैक्स का मेल्ट होना ये क्या है, चेंज है. ठीक है, इसके पीछे, इस चेंज के पीछे, चेंज के पीछे कारण क्या है, कारण है बर्निंग, बर्निंग ऑफ कैंडल. आप कैंडल को अगर बर्न ही नहीं करते तो जो वैक्स है वो मेल्ट नहीं होता और चेंज हमें नहीं देखने को मिलता. समझ में आ रही है ना चीज. तो हम हर एक चेंज जो देखते हैं अपने आसपास, उसके पीछे एक कारण जरूर होता है. ठीक है बेटा, अब ड्यूरिंग द चेंजेस, जब चेंजेस होते हैं बेटा, तो चेंजेस किन किन चीजों में होता है. तो चेंजेस अकर इन शेप,
शेप में चेंज हो सकता है, साइज साइज में चेंज हो सकता है, कलर कलर में चेंज हो सकता है, ठीक है। सो आपको चेंजेस कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, शेप, साइज, कलर, स्टेट, स्टेट, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कोई मटेरियल आ गया, मैटर आ गया, ठीक है, कोई मैटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ गया, लिक्विड से गैसेस स्टेट में चला गया, तो स्टेट चेंज हो रहा है। पता है ना हमें कि अगर हम सॉलिड को अगर हीट दे दें तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को और हीट कर दो, किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। तो ये स्टेट है ना, स्टेट चेंज हो रहा है। बर्फ का टुकड़ा है, छोड़ दो उसको रूम टेम्परेचर पे, पानी बन जाएगा, उसी पानी को और गर्म कर दो चूल्हे पे चढ़ाकर, क्या होगा, उसके वेपर बन जाएंगे। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, गैसेस को आप कूल करो, ठंडा करो, लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को और ठंडा करो, सॉलिड में चेंज होगा। समझ में आ रही है ना चीज, क्लियर है। तो चेंजेस स्टेट में हो सकता है, चेंजेस किसी के शेप में हो सकता है, चेंजेस किसी के कलर में हो सकता है, चेंजेस किसी के साइज में हो सकता है, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए बेटा, सम चेंजेस दैट वी सी अराउंड अस इज नेचुरल चेंज। कुछ ऐसे चेंजेस जो हम अपने आसपास में देखते हैं वो नेचुरल चेंजेस होते हैं, दैट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग के जो कंट्रोल में ना हो, जो चेंज ह्यूमन बींग के कंट्रोल में ना हो वो चेंज नेचुरल चेंज है, प्राकृतिक रूप से चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर का बनना, क्या ये ह्यूमन बींग के कंट्रोल में है, नहीं, तो ये नेचुरल चेंज है, ठीक है। फ्लावरिंग इन प्लांट नेचुरल चेंज है। तो कुछ ऐसे चेंजेस होते, वेदरिंग ऑफ रॉक नेचुरल चेंज है। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं बेटा जो चेंजेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग के कंट्रोल से परे होते हैं, ठीक है, तो उन चेंजेस को हम नेचुरल चेंजेस कहते हैं। एंड सम चेंजेस आर ह्यूमन मेड चेंजेस। तो कुछ चेंजेस हमारे होते हैं जो नेचुरल चेंजेस कहलाते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो ह्यूमन मेड चेंजेस कहलाते हैं। समझ में आ रही है चीज। तो जो चेंजेस देखने को मिलते बेटा, उसमें से कुछ नेचुरल होंगे और कुछ ह्यूमन मेड चेंजेस होंगे, ठीक है, समझ में आ रही है चीज। फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर नेचुरल चेंज है, फ्लावरिंग इन प्लांट नेचुरल चेंज है, कुकिंग ऑफ फूड क्या ये नेचुरल चेंज है, खाना क्या अपने आप बन जाता है, क्या खाना बनाने के लिए ह्यूमन बींग की हेल्प नहीं लगती, लगती है ना। तो कुकिंग ऑफ फूड, ये जो चेंज हो रहा है, हम एक कच्चे अनाज को पकाते हैं और पका के उससे हम फूड प्रिपेयर करते हैं, तो वो चेंजेस यहां पे भी तो चेंज हो रहा है ना। आपके पास रॉ पल्सेस थे, उसको आपने पकाया, पका के आपने एक चेंज ही तो, आप उस पल्सेस में एक चेंज ही तो लेकर आए, तो ये चेंजेस ह्यूमन बींग के कंट्रोल में था ना, इसीलिए ये चेंज क्या कहलाया, ह्यूमन मेड चेंज। बर्निंग ऑफ ऑयल, बर्निंग ऑफ ऑयल, क्या ये ह्यूमन के एफर्ट से नहीं होता, ऑयल को जलाना। सब्जी बनाती हैं मम्मी, कढ़ाई में सबसे पहले क्या डालती हैं, ऑयल, फिर उसको गर्म करती हैं, ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू हो रहा है ना। जो चेंज ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू हो वो ह्यूमन मेड चेंजेस होते हैं, और जिस चेंज में ह्यूमन का कोई एफर्ट ना हो
वो चेंज नेचुरल चेंज कहलाता है। क्लियर? बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं ह्यूमन मेड चेंज के, ठीक है। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस दैट वी कंटिन्यूअसली सी अराउंड अस, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं आसपास में कंटिन्यूअसली, हर समय हम कुछ ना कुछ चेंजेस देखते हैं। तो देखिए बेटा, हमने ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड किया है चेंजेस को। सबसे पहला हमने देखा है रिवर्सिबल चेंजेस एंड सेकेंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। क्या है चेंजेस? रिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस, नाम से हमें पूरी डेफिनेशन पता चल जाएगी बेटा, है ना। और दूसरा है इरिवर्सिबल चेंजेस, ओके। सो रिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है? रिवर्स, जिस चेंज को आप रिवर्स में ला सको वो रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। जैसे गाड़ी चलाते हैं हम, आगे चले जाते हैं एक बार, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से गाड़ी चलाकर हम यहाँ आगे आ जाते हैं, ठीक है। बट फिर आपको कहते हैं कि नहीं रिवर्स में लो गाड़ी, रिवर्स में, तो हम वापस से पहले वाली जगह पे आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? आते हैं ना। तो रिवर्सिबल चेंजेस वो चेंज होता है बेटा जिस चेंज में हम ये देखते हैं कि एक बार अगर कोई ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज आया है, ठीक है, उसके बाद अगेन चेंज होने के बाद वो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है, तो ऐसा चेंज रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। डेफिनेशन देखिए, द चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड इजली बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। अगर हम कंडीशन को बदल दें, कंडीशन को चेंज कर दें, ठीक है, कंडीशन को उल्टा कर दें, तो हमारा जो चेंज हुआ था, मतलब एक ऑब्जेक्ट जब दूसरी चीजों में चेंज हो गया था, तो अगर हमने कंडीशन को उल्टा कर दिया तो फिर से वही चेंज ऑब्जेक्ट अगेन अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, तो वो चेंज हमारा रिवर्सिबल चेंज कहलाता है, ठीक है। सो कंडीशन को उल्टा करना, रिवर्स करना, कंडीशन को उल्टा करके हम टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं जो उसका ओरिजिनल फॉर्म था, ठीक है। सब्सटेंस को उसके ओरिजिनल फॉर्म में हम ला सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो रिवर्सिबल चेंज क्या होता है बेटा? रिवर्सिबल चेंज हम उस चेंज को कहते हैं, ये ऐसा बदलाव होता है जिस बदलाव के अंदर आप कंडीशन चेंज करके जो चेंज आपका हुआ है उस चेंज को बदल सकते हो और पहले जैसा कर सकते हो। इसको समझो, जैसे हमारे पास आइस है, क्या है? आइस, ठीक है, बर्फ। अब हमने बर्फ को रूम टेम्परेचर में छोड़ दिया तो रूम की जो हीट है उससे, ये जो आइस है उस हीट से, रूम की हीट से ये आइस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में। आइस सॉलिड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर की हेल्प से ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है, मतलब वाटर की स्टेट में आ जाता है। अपना स्टेट बदल रहा है ना ये, एक बार तो ये जो आइस है वो लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है। अब अगर ये रिवर्सिबल चेंज है तो ये जो वाटर है, अगेन अगर मैं इसकी कंडीशन उल्टी कर दूं, इसी चेंज के अंदर अगर मैं इसकी कंडीशन को रिवर्स कर दूं, तो ये लिक्विड फिर से बर्फ बन सकता है। अगर मैं यही लिक्विड को ठंडा कर दूं, मतलब इसको मैं रेफ्रिजरेटर में डाल दूं, लिक्विड को लूं और रेफ्रिजरेटर में रख दूं, ठीक है, फ्रीजर में रख दूं, तो क्या ये लिक्विड वापस से फ्रीज होकर आइस नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो इसका मतलब क्या है? एक बार तो चेंज हो गया था, पर चेंज होने के बाद हमने कंडीशन बदली। कंडीशन क्या चेंज की? हमने अब इस लिक्विड को ठंडा कर दिया, पहले गर्म कर रहे थे अब हमने ठंडा कर दिया। ठंडा किया तो ठंडा करने के बाद ये लिक्विड किस में बदल गया? यही लिक्विड फिर से अपने पहले वाले स्टेट में बदल गया, मतलब आइस में चेंज हो गया। तो ये कौन सा चेंज हुआ? रिवर्सिबल चेंज हुआ, ठीक है, क्लियर। उसी तरीके से बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी, वाटर को आप बॉइल करो, मतलब इसको हीट दो, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा,
वही गैस को आप ठंडा कर दो, अगेन ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस चैप्टर में हमने भी पढ़ा, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैसेस में, इवेपोरेशन कहलाएगा। बट यही गैसेस को अगर ठंडा कर दे, कंडीशन बदल दी, तो यही गैस किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है ना, इसी को कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। एक रबर है, रबर, इलास्टिक रबर है ना, उसको आपने स्ट्रेच किया, खींचा, खींचने के बाद अब जब आपने खींचा तो क्या उसका साइज चेंज नहीं हुआ? इतने छोटे से रबर को आप खींचते हो तो उसका साइज नहीं चेंज होता है क्या? चेंज होता है साइज, बट अगेन आप उसको छोड़ दो, ठीक है, तो फिर से वो ओरिजिनल साइज में आ जाता है ना, अपने पहले जैसे साइज में आ जाता है। तो वो क्या है, कैसा चेंज है, ये रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है, क्लियर। वहीं दूसरी तरफ इररिवर्सिबल चेंज की बात करते हैं। इररिवर्सिबल चेंज का मतलब एक बार चेंज हो गया सो हो गया, आप उसको दोबारा कंडीशन बदलने के बाद भी आप पहले जैसा उसको नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो द चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन बाय चेंजिंग द कंडीशन टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस बैक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड इररिवर्सिबल चेंज। कंडीशन बदलने के बाद भी आप उस चेंज्ड सब्सटेंस को पहले जैसा नहीं बना सकते। लाइक पेपर की बात करें, पेपर को आप बर्न करेंगे, पेपर को बर्न करने के बाद जो उसका ऐश मिलेगा हमें, क्या उस ऐश से आप वापस से पेपर बना सकते हैं? कितनी भी कंडीशन चेंज कर दोगे, क्या बन जाएगा पेपर वापस से? नहीं बनेगा। तो ये कौन सा चेंज है, इररिवर्सिबल चेंज है। एक बार आपने कच्ची सब्जियों को पका के उसकी सब्जी रेडी कर ली है, उसके बाद आप ये सोचो कि वही पकी हुई सब्जियां फिर से कच्ची हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो ये कौन सा चेंज है, ये इररिवर्सिबल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड कौन सा चेंज है, इररिवर्सिबल चेंज है। समझ में आ रही है चीज। अब एक पौधा है, छोटा सा पौधा आपने लगाया और वो पौधा धीरे 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 पेड़ बन गया। अब आप चाहो कि वो पेड़ वापस से पौधा बन जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। कौन सा चेंज है, ये इररिवर्सिबल चेंज। कंडीशन बदलने के बाद भी जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में पहले जैसा ना आए, वहां जो चेंज देखने को मिलता है वो इररिवर्सिबल चेंज कहलाता है, ठीक है। तो दो तरीके की चेंजेस हमने, ब्रॉडली चेंजेस को दो ग्रुप में डिवाइड किया, ओके, क्लियर। आई होप आपको रिवर्सिबल इररिवर्सिबल चेंजेस समझ में आ गया होगा बच्चों। यस, सो देखिए बेटा, उसके बाद देखिए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? तो फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिस चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। A change in which no new substance is formed. बदलाव तो होगा, चेंज तो होगा, बट वो चेंज ऐसा चेंज होगा जिसमें कोई नया सब्सटेंस हमें ना मिले, तो ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। अब ये चेंज, फिजिकल चेंज में आप किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर दो, उसकी स्टेट को चेंज कर दो, साइज के साइज को चेंज कर दो, शेप को चेंज कर दो। तो जिसके स्टेट, साइज, शेप, इनमें चेंज हो रहा है, तो ये कौन सा चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। मैंने लिया था एक छोटा सा रबर जिसको मैंने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद वो जो रबर की साइज है वो बढ़ गई। तो बेटा रबर की साइज बढ़ तो गई है, बट कोई नया सब्सटेंस थोड़ी मिल गया, वो अभी भी है तो वो रबर ही ना, साइज बढ़ी है बस। तो चेंज तो हुआ, बदलाव तो आया, बट उस बदलाव में कोई भी नया सब्सटेंस बना क्या? नहीं बना। तो वो चेंज हमारा फिजिकल चेंज कहलाएगा। मतलब फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। एग्जाम्पल में देखिए, आइस एंड वाटर। अब आइस की बात करें, आइस है ना, बर्फ, ये सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है ना, किसका?
वाटर का, पानी का सॉलिड स्टेट ही तो है आइस। अब इसी आइस को आप रख देते हो कमरे में, तो ये आइस थोड़े देर में लिक्विड स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। पर बेटा जब ये लिक्विड स्टेट में आया और जब ये सॉलिड स्टेट में था, तो दोनों ही स्टेट में ये था तो वाटर ही, दोनों ही स्टेट में था तो ये वाटर ही। अगर ये आइस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था, मतलब आइस फॉर्म में था, तब भी इस वाटर का फॉर्मूला जो मॉलिक्यूल था वो H2O ही था, और जब ये लिक्विड में आया तो भी ये H2O ही है, वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बदला। ठीक है, नया सब्सटेंस बनने का मतलब होता है जो उनका कंपोजिशन होता है वो बदले। ठीक है, उनके अंदर की बनावट चेंज हो, कंपोजिशन चेंज हो, यहां कंपोजिशन नहीं बदल रहा। जो वाटर का फॉर्मूला है, जो वाटर के मॉलिक्यूल है, वो आइस में भी H2O ही है, मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, लिक्विड स्टेट में तो भी वही है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो बेटा यहां पे आपका स्टेट बदला है, चेंजेस तो हुआ, बट ये चेंजेस आपका फिजिकल चेंज हुआ है। ठीक है, नया सब्सटेंस कोई नहीं बना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फिजिकल चेंज है वो टेम्पररी होता है, टेम्पररी। आप दोबारा क्या इसको आइस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड वाटर में, तो क्या ये लिक्विड वाटर से वापस से आइस नहीं बन सकता? बन सकता है ना। तो ये टेम्पररी चेंज है, परमानेंटली थोड़ी चेंज हो गया कि इसके बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसको पहले जैसा बना ही नहीं सकते। तो बेटा जितने फिजिकल चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे टेम्पररी होते हैं। क्या होते हैं? टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए चेंज होता है। आप चाहो तो कंडीशन बदल के पहले जैसा कर सकते हो, और रिवर्सिबल भी होता है, रिवर्स हो जाता है, रिवर्स बैक। ठीक है, बाय चेंजिंग द कंडीशन, कंडीशन बदल कर आप चेंज कर सकते हो। तो ये फिजिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, क्लियर। अब टियरिंग ऑफ पेपर, पेपर को आप फाड़ो। अब पेपर, एक बड़े से पेपर को लिया आपने, उसके दो टुकड़े कर दिए, तो बेटा टुकड़े करने से चेंज तो हुआ, कुछ बदला तो सही ना। वो पहले एक आपका यूनाइटेड पेपर था, उसको आपने फटाफट से यूं टियर किया, दो टुकड़े कर दिए, चेंज तो आया, पर क्या वो दो टुकड़े करने के बाद ये पेपर किसी और चीज में कन्वर्ट हो गया क्या? ऐसा तो नहीं हुआ, वो अभी भी है तो पेपर ही ना, कंपोजिशन थोड़ी चेंज हुआ। तो ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस ना बने वो फिजिकल चेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज। बेटा नेक्स्ट केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है? तो केमिकल चेंज वो चेंज कहलाता है बेटा जिस चेंज में हमें कोई एक नया सब्सटेंस मिले, है ना, हमें एक नया सब्सटेंस मिले जो कि ओरिजिनल से बिल्कुल अलग हो। क्लियर। सो अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ऐसा चेंज जिसमें एक न्यू सब्सटेंस बने। न्यू सब्सटेंस मतलब उसका कंपोजिशन बिल्कुल चेंज होना चाहिए। ठीक है, कंपोजिशन बिल्कुल चेंज होना चाहिए। अब ये जो केमिकल चेंज होता है, ये केमिकल चेंज परमानेंट होता है, परमानेंट चेंज, और ये इरिवर्सिबल चेंज होता है, मतलब आप वापस से इसको पहले जैसा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते कंडीशन को चेंज करके, है ना। तो ये एक परमानेंट चेंज होता है, एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पेपर को जलाया, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को बर्न किया, तो ये कौन सा चेंज है? पेपर को बर्न करने में हमें कौन सा चेंज दिखता है? तो बेटा जब पेपर को आप जलाते हो, तो जलाने के बाद जब वो कार्बन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो कार्बन एक नया सब्सटेंस बनता है, वो न्यू सब्सटेंस है, उसका कंपोजिशन आपके पेपर के कंपोजिशन से बिल्कुल अलग है। मतलब पेपर का जो कंपोजिशन है और जो आपका जो नया सब्सटेंस कार्बन जो बना, उसका कंपोजिशन बिल्कुल अलग है, तो वो कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस है। अब वो फिर से वापस से पहले जैसा नहीं हो सकता, तो वो एक केमिकल चेंज है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना, जब फल कच्चे होते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे जब पकते हैं, तो पकने के बाद वो फल वापस से कच्चा हो सकता है क्या? पके हुए आम को आप फिर से कह सकते हो कि केरी में कन्वर्ट हो जाओ, केरी बन जाओ? नहीं हो सकता। ठीक है ना,
तो ये यहाँ पे कौन सा चेंज दिख रहा है, क्योंकि वो कंपोजिशन ही बदल गया, वो नया सब्सटेंस बन चुका है, तो यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। डाइजेशन ऑफ फूड, चपाती को मुंह में लेते हैं और उसको तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं उसके। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड। खाने में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। जब आपने चपाती लिया और उसको काटा अपने दांतों से और उसको तोड़ा, तो तोड़ने पे क्या हुआ? तोड़ने पे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो चपाती के अंदर प्रेजेंट था, कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट ने अपना कंपोजिशन बदल दिया और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रही है चीज? तो डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ठीक है, जिसमें एक नया सब्सटेंस मिले हमें और उस नए सब्सटेंस को आप फिर से पहले जैसा ना कर सको, तो वहां पे केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर? ये चीज समझ में आई? केमिकल चेंज। शुगर ले लो, शुगर और शुगर को गर्म करो, वो शुगर धीरे 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 गर्म होते होते वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, ब्लैक काले रंग का हो जाएगा वो, ठीक है। वो जो ब्लैक कलर होगा वो चार्ड शुगर कहलाएगा, ठीक है, शुगर चारकोल कहेंगे उसको। अब उस शुगर चारकोल का कंपोजिशन बिल्कुल अलग है आपके ओरिजिनल शुगर से, तो यहां पे केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज आर द परमानेंट चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल एंड टेम्पररी चेंज। फिजिकल चेंज, इन फिजिकल चेंज देयर इज अ नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इन केमिकल चेंज देयर इज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्लियर?